इस साल कॉलेज में स्टूडेंट इलेक्शन करने के लिए यूजीसी ने परमिशन दे दी है, लेकिन मैंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया है। फिर भी एक फॉर्मालिटी के लिए आप लोगों की ओपिनियन चाहिए कि क्यों इलेक्शन नहीं चाहिए फॉर द रिकॉर्ड्स। मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए सर। सेमेस्टर भी शुरू होने वाले हैं, इस समय इलेक्शन की क्या जरूरत है? अगर इलेक्शन होगा तो बहुत दिक्कतें होंगी। सो आई डोंट थिंक दे आर फिट फॉर इलेक्शंस। एग्जैक्टली। इन माय ऑनेस्ट ओपिनियन, नो। दिन वाले क्लास में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन रात वाले क्लास में हमेशा प्रॉब्लम होती है। थैंक्स रम्या। चारू, तुम भी कुछ बोल सकती हो? नहीं सर, मुझे इस कॉलेज में आए अभी 2 ही हफ्ते हुए हैं, तो मेरा ओपिनियन देना सही होगा या नहीं पता नहीं। कम ऑन, इसमें क्या हुआ? नहीं सर। हे जेडी सर, कुछ बोल भी रहे हैं? हां वही तो सर, अच्छे मौके की तलाश में होंगे। सर, एक बार जेडी से भी पूछ लीजिए ना। जेडी, आप अपना ओपिनियन बताइए। आपका ओपिनियन क्या है जेडी? कल कौन सा दिन था? गुरुवार था। लेकिन गुरुवार को तो उनकी छुट्टी होती है। अरे तब तो कल खूब पिया होगा। चल 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 जल्दी। जेडी सर, सर इमरजेंसी है सर, इमरजेंसी। तू यहाँ क्यों आया? सर रोजी मैडम है ना सर, सर उन्हें फोन देना सर, प्लीज सर। सर उनके हस्बैंड सड़क पे गाड़ी से गिर गए थे सर, उनसे बात करें सर। सर क्यों मैडम है? हाँ सर सही कह रहे हैं। मैं फोन देने चला हूँ सर, प्लीज सर। क्या हुआ? उठी उठी बोलो ना मैडम। आपका फोन कब से स्विच ऑफ हो रहा है, कब से लगा रहे हैं? जाइए जाकर बात कीजिए। सर हेलो सर, सर इलेक्शन के लिए ना बोलना, कुछ तो बोलिए सर। सॉरी सर सॉरी। जेडी, इलेक्शन के बारे में आपका ओपिनियन क्या है? ओपिनियन कैसा, इलेक्शन होना चाहिए बस। जानता था ये तो ऐसे ही मीनिंगलेस बोलते रहते हैं सर। कॉलेज में इलेक्शन शुरू हुए तो सारे स्टूडेंट्स उसी ख्याल में डूबे रहेंगे, उस चक्कर में ना कोई पढ़ाई करेगा ना कोई क्लास में आएगा। करेक्ट। स्टूडेंट्स इलेक्शन करके ऐसा क्या सीख लेंगे सर? कॉलेज के अंदर पॉलिटिक्स क्यों? सर मैथ्यू सर, पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? सर मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं तो करना चाहता हूं। रुको आता हूं। सर पॉलिटिक्स मतलब एक सर्विस है, ये उन्हें पता चलना चाहिए। कॉलेज में पढ़ते हुए इलेक्शन या लीडरशिप के बारे में समझेंगे तो कल को स्टेट इलेक्शन सेंट्रल इलेक्शन के बारे में अवेयरनेस क्रिएट होगा। कॉलेज में पढ़ने वाले यूआई होते हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स। उन्हें सही रास्ता दिखाएंगे तो ही अगली पीढ़ी में हमें एक अच्छा लीडर मिलेगा। एक अच्छा लीडर बनने की या फिर एक अच्छा लीडर चुनने की समझ उनमें आ जाएगी। कोई और अगर उन्हें सर जगह जगह पोस्टर लगाते हैं, हर दीवार पर लिख देते हैं और उसके बाद मेरी दीवार उसकी दीवार करके झगड़ा करते रहते हैं। कॉलेज के बाहर लोग यही सब नहीं करते क्या? बैठिए सर, ये सारी परेशानियां इलेक्शन के वक्त पर ही आ जाती हैं, तो इसकी वजह से देश में भी इलेक्शन बंद हो जाना चाहिए क्या? हमारे देश में पोस्टर बैनर की संस्कृति तो है ही। बच्चों को पोस्टर कहाँ लगाना है कहाँ नहीं, बैनर कहाँ लगाना है कहाँ नहीं, ये जानना है तो इलेक्शन होना ही चाहिए, तभी यहाँ से बाहर जाकर सही करेंगे। अगर हम ये क्वार्टर और चिकन बिरयानी देकर वोट लेने की रीत बदलवाना चाहते हैं तो पॉलिटिक्स क्या है ये स्टूडेंट्स को जानना ही होगा। ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात सही है। अगर स्टूडेंट्स मारपीट पर उतर आए या कॉलेज को कोई नुकसान हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? सर ऐसा कुछ नहीं होगा सर। अगर हुआ तो कॉलेज छोड़कर चले जाओगे, रिजाइन कर दोगे? बोला हाँ होगा तो देखेंगे। तो फिर आप खुद प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनकर ये इलेक्शन करवा के दिखाइए। अगर कोई परेशानी हुई तो मैं ये कॉलेज छोड़कर चला जाऊंगा, रिटर्न में लिख के दे दो। जून महीने की 25 तारीख को होगा इलेक्शन। इसे मास्टर बनने के बाद इलेक्शन करवाते हुए मैंने नहीं देखा, लेकिन जब ये स्टूडेंट था तब मैंने इसे इलेक्शन करवाते हुए देखा था। Shake your hands. This is the wall of democracy. Your rules and regulations. जिम फैसिलिटी सारे स्टूडेंट्स को फ्री मिलेगा और हॉस्टल में डेली सबको नॉनवेज खाना मिलेगा। अच्छे स्पीकर्स ही बड़े लीडर्स बन पाए हैं। तुम्हें भी डट कर बोलना होगा सभी। दूसरों की कमियां गिनाकर वोट लेने के बजाय तुम क्या करना चाहती हो ये बताकर वोट लो। हे कोई भी पोस्टर है सब उखाड़ के फेंक दो। जो जगह दी गई है वहीं पर पोस्टर्स और बैनर्स लगेंगे। स्टूडेंट्स के बीच जरा से भी हाथापाई हुई तो इलेक्शंस नहीं होंगे। यू पुल बैक एंड फायर। Cheers. सर कुल मिलाकर 5,500 स्टूडेंट हैं। उसे हमने टोटल 10 कैटेगरी में बांटा है। ये कौन सा कॉलम है? सर वहाँ रिलीजन और कास्ट के हिसाब से रखे जाएंगे। तो इसकी जरूरत नहीं है, इसे यहाँ से ही काटेंगे तो आगे चलकर हमारी आदतें बदलेंगे। ओए,
और कितने दिन तू ऐसे पी पी कर मरेगा? अब तुम भी गालियां देने लग गए। नशा छोड़ दो, गाली नहीं दूंगी। मैं तो होश में ही हूँ। अच्छा ऐसा है? इस बोर्ड में कहीं भी तीर मार के दिखाओ तो मान जाऊंगी कि तुम होश में हो। भाई आज दिखाई दो। ओए, हर डिपार्टमेंट के नाम 1,00,000 रुपए। इससे पहले मैंने कई बार काउंसलिंग की है, अगर आप मुझे वजह बताएंगे तो मुझसे जितना होगा उतनी हेल्प करूंगी। पहले जब मेरी नौकरी नहीं थी तब मैं राजस्थान में टाइल्स कंपनी में काम करता था। ओह। तब एक लड़की ट्रेन में ही अपना बैग भूल गई थी, मैंने वो बैग उसके पास कुरियर करवा दिया। वो उस लड़की को बहुत पसंद आ गया, फिर मैंने और उस लड़की ने लेटर में ही प्यार करना शुरू कर दिया। तब मैं राजस्थान में रहता हूँ ये जानने के बाद उसने मेरे लिए एक एम्ब्रॉयडरी किया हुआ स्वेटर भेज दिया था। हाँ? राजस्थान में स्वेटर? बात तो सही है। कल को अगर तुम्हें कोई परेशानी हुई तो रात के 12 बजे भी पुलिस स्टेशन में मैं खड़ा रहूंगा। बेकार के झगड़े करके पुलिस स्टेशन में खड़े होने वाले हम ऐसे काम ही क्यों करें? कैंटीन में बेवरेजेस फ्री, एक्वा ट्रेनिंग एक्सेस फ्री, कैंपस में इंटरव्यू भी होगा, सभी लोग जॉब के साथ ही बाहर निकलेंगे। सबसे पहले आप ये फैसला कीजिए कि आपको एक लड़की के नीचे रहना है या एक लड़के के नीचे रहना है। ए, वो मेरा ग्लास नहीं था, कोई और उसे पीकर यहाँ छोड़ गया था गधे। इसकी तो छोड़ा। One JD, please. सर, चौथा राउंड सर, फाइनल रिजल्ट आने वाला है, डर लग रहा है सर। लड़ाई लड़ ली और अब रिजल्ट से डर रही है, चौथा राउंड है, चल निकल। मोस्ट अवेटेड इलेक्शन रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड वेरी सून। फोर्थ एंड फाइनल इलेक्शन रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी डिक्लेयर्ड। भार्गव 2588 वोट्स, Savita 2648 votes. Savita won the election by 60 votes. Mubarak ho chairperson. Sir, ये देख, इवनिंग कॉलेज के लड़कों ने पंगा शुरू कर दिया और चल सर, चलते हैं। अब हम लोग क्या करें सर? अरे अब मुझसे क्यों पूछ रहे हो, इनसे पूछो। चेयरमैन, अब क्या किया जाए? सर, ये अननेसेसरी कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए एक बार मैं खुद जाकर भार्गव से बात करना चाहती हूँ। अरे वाह, जरूर जाइए, लेकिन अकेले जाइए। मैडम, ये सिर खुजाते हुए, उंगलियां चटकाते हुए, इधर उधर देखकर, झिझक झिझक कर बातें मत करना, सीधी बात करना। सर, अपने हाथ का वो कड़ा देंगे क्या? ये क्यों चाहिए? दीजिए ना सर।